सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर माइक्रोसॉफ्ट एज में इमेजेस शो नहीं हो रहे, यानी कि आपने कुछ सर्च किया उस पे और इमेजेस वहां नहीं शो हो रहे, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे आज के इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर इससे पहले कई इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो इमेजेस शो होने का मतलब, जैसे कि आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज का पेज यहाँ ओपन है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आईफिल टावर सर्च करता हूँ और जब मैं इंटर प्रेस करूंगा तो आप देखिए कि सारी डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन जहां जहां इमेज आ रही वहां इस तरीके का साइन बन करके आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि इमेज शो नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, तो उसके लिए हमको जाना ही, देखिए लेफ्ट राइट हैंड साइड में यहाँ देखिए ये थ्री डॉट आपको दिख रहा है, इसमें क्लिक कर दीजिए और नीचे हमको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए तो सेटिंग का पेज आपके सामने यहाँ ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में साइट परमिशन करके एक ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। साइट परमिशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड में इतने सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। यहाँ पर हमको जाना है इमेजेस पे, ये रहा इमेजेस। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ये ऑफ होगा, इसको ऑन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है शो ऑल रिकमेंडेड, यानी कि ये रिकमेंड कर रहा है शो ऑल पे, इसको इनेबल रहने दीजिए। तो इसको यहाँ पे देखिए हमने इनेबल कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही हम इनेबल करेंगे, अब जब जब कोई इमेज आप सर्च करेंगे मतलब इस पे माइक्रोसॉफ्ट एज पे, तो वो शो करेगा। अब मान लीजिए इसको हम रिफ्रेश करते हैं आईफिल टावर, तो देखिए जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए अब जो भी इमेजेस यहाँ पर होगी वो सारी इमेजेस आपको शो करेगा, ये देखिए। ठीक है, सारी इमेजेस आने लगी, गूगल की, आईफिल टावर की, साइन इन की, हर चीज आपको यहाँ पर शो होने लगी।